खुशियों का त्यौहार ईद उल फितर गुरुवार को शहर में मनाई गई। ईद के दिन को माह रमजान का रोजा रखने वाले रोजेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से खुशियां मनाने के लिए विशेष दिन के रूप में रेखांकित किया गया है। इस खुशियों में अगर पूरा परिवार साथ हो तो ये खुशियां दुगनी हो जाती है। ऐसा ही कुछ शहर के सोमवारी क्वार्टर के शेख परिवार में दिखाई दिया। शहर में गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर मनाई गई। जायकोर शहर के सभी मुस्लिम धर्मावलंबी भी मस्जिदों और दरगाहों में जाकर ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा कर ईद मनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बांधों के घरों में खुशियों का माहौल दिखाई दिया। शहर के सोमवारी क्वार्टर स्थित शेख परिवार में भी ऐसा ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। हर साल ईद के दिन पूरा परिवार एकत्रित होकर खुशी से ये पर्व मनाते हुए नजर आए। घर के सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देकर खुशी मना रहे थे। इस समय बीटीपी ग्रुप और बीसीएन के संस्थापक सिराज शेख, फैजान मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान शेख और मजर शेख पूरे परिवार के साथ उपस्थित थे। इस खुशी के पर्व पर सिराज शेख और फैजान शेख ने शहर वासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। आज ईद उल फितर है, जिसको रमजान ईद बोली जाती है। ये बहुत खुशी का त्यौहार होता है कि पूरे महीने भर के रोजे रख के इबादत करते, उसके बाद अल्लाह ने खुशी का इजहार किया है कि एक पूरे रोजे 30 कंप्लीट हो गए के बाद आपको खुशी मनाना है, तो उसका नाम ईद है। तो पूरे बच्चे, पूरे फैमिली आप देख रहे हैं, सब लोग ईद मनाते हैं। और एक ईद ऐसा त्यौहार है कि इंसान कितने भी भूला, कितना भी दूर रहे, दराज है, बराबर फैमिली में मिलने आता है, कहीं गिले सूखे किसी से रहते सब दूर होते हैं। यही एक दिन होता है जो उससे सबसे मेल मिलाओ, इंसान की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि सब अपने अपने काम में इतने मशहूर रहते हैं, लेकिन ईद के दिन सब लोग बराबर मिलते हैं। तो ईद खुशी का त्यौहार है और ईद की सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं सभी को पहले तो बीटीपी ग्रुप और बीसीएन ग्रुप की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक। और ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ हर साल ईद मनाना चाहिए और सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।